2013 में बीजेपी के लिए देश भर में कैंपेन, 2014 से 2019 तक देश विदेश में देश के विकास के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए कैंपेन, और फिर एक बार 2019 में पार्टी को एक बार फिर सत्ता में वापस लाने के लिए कैंपेन। जी हां, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो न कभी थकते हैं न रुकते हैं और न ही हार मानते हैं। सर, वाकई में इतना कैंपेन, लगातार कैंपेन, और इस बार सातवें फेज का चुनाव है, हम लोग यहाँ हैं। अगर यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश 2014, बीजेपी को पूरी उम्मीद है 2014 का जो मैसिव मैंडेट था वो एक बार फिर मोदी सरकार बनाने में सहायक होगा। मैं सबसे पहले तो जी के दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और जी के माध्यम से इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़ करके देश के नागरिकों ने जो हिस्सा लिया, लोकतंत्र की आन बान शान को मजबूत किया, बहुत भारी मात्रा में मतदान किया, इसके लिए मैं हृदय से देश के मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक 2019 का चुनाव है, ये चुनाव पहले के चुनावों से बहुत अलग है। ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी वेव है। एक सरकार को पुनः बिठाने के लिए जनता ये चुनाव लड़ रही है, नेताओं से, उम्मीदवारों से, दल से। देश बहुत आगे है, और मैं जहां जहां गया हूं, मेरा पहला काम था, 5 साल मुझे काम करने के लिए देश की जनता ने जो अवसर दिया, और 5 साल कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए मैं सर झुका करके पूरे देश में जाकर के मैंने पहला काम किया है इन मतदाताओं का अभिनंदन करना, धन्यवाद करना, साधुवाद करना। और बाद में मैंने कहा है कि मुझे 5 साल के लिए आशीर्वाद की जरूरत है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि जो आकांक्षाएं हैं उसको मैं अब पूरा करना चाहता हूं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, 2014 से भी ज्यादा वोटों से, ज्यादा मार्जिन से, ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के साथी जीतने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको पूरा भरोसा है, बीजेपी को पूरा भरोसा है 2014 के रिपीट होगा, लेकिन इसको रोकने के लिए आपने देखा 2017 में दो लड़के, यूपी के दो लड़के, हालांकि वो फेल हो गए, भाई बहन एक बार फिर से मोर्चा खोले हुए हैं, और बुआ बबुआ, उनकी पूरी कोशिश है यहां कम मोदी हटाओ। ज्यादातर राजनेता और ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां और ज्यादातर पॉलिटिकल पंडित, समीक्षक जो अपने आपको कहते हैं, जो आपको न्यूट्रल कहते हैं, करीब करीब ये सारी टोली अभी भी 20वीं शताब्दी की सोच से प्रभावित है। 21वीं सदी का मतदाता, 21वीं सदी के सपनों, 21वीं सदी का कम्युनिकेशन, इसने कितना बदलाव लाया है ये समझने को तैयार नहीं है। 2014 में इसकी शुरुआत हुई, 2017 में बिहार में हुआ करता था कभी, मैमे की ये घटना ने मां माटी मानुष उसकी धज्जियां उड़ा दी। जो मैमे को डरते हैं, उनको मां माटी मानुष उनके मुंह में अब शोभा नहीं देता है। जहां तक चुनाव अभियान का सवाल है, मेरी कोशिश हिंदुस्तान के हर कोने में मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए जाने की थी, और मैंने ईमानदारी से उस प्रयास को किया है। सर, अगर हिंसा होती है तो आप, मतलब बीजेपी जिम्मेदार, अगर ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति टूटती है तो बीजेपी जिम्मेदार, अमित शाह के काफिले पर, रोड शो पर हमला होता है तो बीजेपी अपने कर्तव्य से, और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रैली है उसे भी रोकने की कोशिश। वो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति को साथ हुआ है, वहां सीसीटीवी कैमरा लगे थे,
वो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज तत्काल देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ये कह रहे हैं। दूसरा, जो चार दिन पहले एक्सीडेंट में जिनका हाथ पैर टूटा हो, ऐसे लोगों को खड़ा करके आप सिंपथी गेन करने की कोशिश करोगे तो देश के गले नहीं उतरेगा। तीसरी बात, सवाल ये हिंसा का नहीं है। अभी 6-8 महीने पहले वहां पंचायतों के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव हुए, शांतिपूर्ण हुए, बंगाल के अंदर अनेक लोगों को मार दिया गया, घर जला दिए गए, पोलिंग बूथ लूट लिए गए, उम्मीदवारों को नामांकन के लिए कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी। यानी इतनी हिंसा आज से 1 साल पहले देश ने देखी है। दूसरा, चुनाव घोषित होने पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के मुख्यमंत्रियों को हेलीकॉप्टर तक लैंड नहीं करने दिया गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की सभाओं में भी रुकावटें डाली गई, और इसलिए वहां की सरकार, टीएमसी के गुंडे, वहां के प्रशासन, ये सब एक होकर के लोकतंत्र को दबोच करके फिर से एक बार विजयी होने का इरादा रखते हैं। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की जनता उनके ऐसे कारनामों के सामने झुकने वाली नहीं है। सर, कहा जाता है कि सियासत अपनी जगह है, उसको आप सनातन परंपरा से दूर रखना चाहिए। जय श्री राम, ये हमारी सनातन परंपरा है, उस पर भी रोक, सरस्वती पूजा पर रोक, दुर्गा पूजा पर रोक, अब जय श्री राम बोलने पर भी रोक। सवाल सिर्फ जय श्री राम का नहीं है, पिछले 4 साल में आपने देखा होगा कि दुर्गा पूजा के जुलूस रोक दिए गए थे, काली पूजा पर रुकावटें आई थी, दुर्गा के उत्सव पर रुकावटें आई थी, तो उनकी वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब किया गया और लगातार किया गया है। जय श्री राम तो अभी हुआ, लेकिन कोई भी बात उनको इतना ही छोड़ो ना, एक बार 3-4 साल पहले एक टीवी इंटरव्यू में दो बच्चियों ने सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री जी माइक फोड़ करके फेंक करके उन बच्चियों को गाली देकर के निकल गई थी। तो ये लोकतंत्र के अनुकूल स्वभाव नहीं है भाई, ये सारे एक्शन एंटी डेमोक्रेसी है। सर, बीजेपी पर असहनीयता का आरोप लगता है, अब देखिए कि आपने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, उस पर अमल किया, चाहे हम लोग सब ने तो पूरा देश ने देखा, डिवाइडर इंडिया, डिवाइड कर रहे हैं मोदी, उस पर भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको जला दिया गया, पत्रिका को बैन कर दिया गया। लेकिन अगर मेमे बनता है और कुछ भी होता है और ऐसे ही लोग आपके खिलाफ, मौत के सौदागर से लेकर नीच चाय वाला, यहां तक कि चौकीदार, कई तरह के आभूषण पहनाने की कोशिश करते हैं आपको, देखिए उनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए सिर्फ गाली देनी पड़ रही है, और गाली देकर के वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। मैं उनको और भी कुछ समय मेरा इन गालियों में बर्बाद करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे हमारे देश की गलियों का भला करना है, गांव का भला करना है, तो उनकी गालियों में अपना समय बर्बाद नहीं करता हूं। इससे सर कहा जाता है कि ऐसे आरोप लगातार लगते रहे तो आदमी टूट जाता है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि इससे और मजबूत होकर आप अपने कदम और आगे बढ़ाते हैं। सवाल मोदी की मजबूती का नहीं है, देश की जनता का प्यार, देश की जनता का विश्वास, देश की जनता का आशीर्वाद और मुझसे अपेक्षाएं हैं। मुझे अपने आप को देश की जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल ढालना चाहिए, देश की आकांक्षाओं के लिए जितनी मेहनत कर सकता हूं पूरी मेहनत करनी चाहिए, और वो मैं ईमानदारी से कर रहा हूं। मैं फिर एक बार जी के दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर, एक सवाल थोड़ा सा रहेगा, आपके आप नामदार वर्सेज कामदार, आपके काम की चर्चा पूरा देश जानता है और जनता करती रहती है, लेकिन आपके नाम की चर्चा होती है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। ये बात सही है कि विरोधी लोगों ने इतना मोदी मोदी कर दिया कि विरोधियों के लिए भी मोदी चुनाव का मुद्दा है, और इधर से जनता के दिल में भी मोदी छा गया है, तो जनता भी मोदी बोल रही है, विरोधी भी मोदी बोल रहे हैं। और मैं सबको प्रणाम करके कहता हूं, मैं आपके जैसा एक सामान्य इंसान हूं, बस मुझे आपके लिए जीना है, आपके लिए जूझना है, आपके लिए कुछ न कुछ करते रहना है, आशीर्वाद दीजिए, इतना ही मैं कहता रहा। आखिरी सवाल रहेगा सर, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, राष्ट्रवाद की बात हुई, सब कुछ हुआ, नारा है मोदी है तो मुमकिन है, क्या एक बार फिर मोदी सरकार? इस चुनाव की विशेषता ये है,
कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नारा देना ही नहीं पड़ा है। सारे नारे जनता की तरफ से आए हैं। आएगा तो मोदी ही। जब मैंने सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ, इतने प्रकार के नारे लोगों ने बना दिए हैं। ये लोगों का प्यार है। ये बात सही है कि पहले से ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी आएगी, और बंगाल का इतना प्यार बढ़ गया है कि बंगाल हमें 300 पार करवा देगा अकेले बीजेपी को। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए दोनों पहले से अपना टैली बढ़ाएंगे, ताकत बढ़ाएंगे, भूगोलिक दृष्टि से भी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, नए नए इलाकों से हम जीत करके आएंगे और देश की हम भरपूर सेवा करेंगे। मैं फिर एक बार जी के दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बंगाल के लिए निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।